फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। वैसे तो हम आपके साथ लौकी के हलवे की रेसिपी एक बार शेयर कर चुके हैं, पर थोड़ा ये डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने लौकी को देखिए कद्दूकस करके और बॉईल करके निचोड़ लिया था। तो इसको मैं सबसे पहले घी में थोड़ा सा फ्राई करूंगी। तो मैंने पैन रख दिया है और उसमें मैं एक टेबल स्पून जितना घी डाल रही हूँ। घी डाल दिया इसमें, और अब मैं इसमें ये लौकी डाल दूंगी। और इसको पानी सूखने तक फ्राई कर दूंगी। मीडियम सेक पे रखा है मैंने। थोड़ा सा घी रह गया था, ये लौकी लगा के निकाल लेंगे। इसको मैंने स्पैटुला से निकाल लिया था चम्मच से घी। और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। ये एक मीडियम साइज की लौकी थी जो मैंने कद्दूकस करके रखी थी, छील के धो के छील के और कद्दूकस करके मीडियम साइज की लौकी थी ये। और ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है। और मजेदार बात यह है कि इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा, रेडिशनेस पकड़ने लगेगा, तब आगे हम इसको बनाएंगे। ये देखिए ये लौकी थोड़ी सी भुन गई है, बॉइल्ड ऑलरेडी थी तो उसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और कलर हमें चेंज करना नहीं ज्यादा, बस हल्का सा इसमें टिंच आ गया पिंकिश कलर का। तो अब मैं कम से करके यहाँ पर मेरे पास खोया है 150 ग्राम जितना मैं खोया डाल रही हूँ इसमें। ये सिर्फ खोए में पकेगा। खोया जल्दी से पिघल जाता है इसलिए साथ के साथ ही मैं इसमें गुड़ का बूरा भी डाल दूंगी। यानी कि शक्कर 2 टेबलस्पून शक्कर इसमें बहुत है। इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। बाकी शक्कर और खोया सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। अगर जरा कोई टुकड़ा टाइप हो खोए का शक्कर का तो उसको पीस लीजिएगा दबा के।
कलर देखिए बिल्कुल बदल गया शक्कर की वजह से, क्योंकि अगर आप नॉर्मली दूध में और चीनी में बनाते हैं लौकी का हलवा तो वो ग्रीन ग्रीन ही रहता है, क्योंकि हमने इसमें शक्कर डाली है तो इसका कलर ब्राउन हो गया है। ये देखिए अच्छे से पिघल गया खोया और ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, क्योंकि ये थोड़ा सा ही है तो इसीलिए मैं इसमें ये देखिए सिर्फ 1/4 टीस्पून जितना इलायची पाउडर डाल रही हूँ। मिक्स कर दूंगी इसको अच्छे से। इलायची पाउडर से खुशबू और टेस्ट दोनों ही दुगने हो जाते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें मैंने ड्राई फ्रूट 4-5 काजू 4-5 बादाम और किशमिश है और थोड़ा सा पिस्ता भी है 4-5, तो इसमें से आधा मैं डाल रही हूँ और बाकी आधा हम गार्निश करने के लिए डाल देंगे। देखिए प्रिपरेशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा खोया कद्दूकस करना है, लौकी कद्दूकस करनी है और ये ड्राई फ्रूट काट के डालना है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, तो आप 10 से 15 मिनट वो समझ लीजिए और बनने में तो 6 से 7 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और टोटल भी मैं ना मान के चलिए तो 20 से 22 मिनट का काम है। देखिए बन गया, थोड़ा सा तेज सेक करके अगर जरा सा भी मॉइस्चर होगा तो निकल जाए, इसलिए मैं सेक तेज कर रही हूँ इसका 1-2 मिनट के लिए। वैसे तो चढ़कने की आवाज घी की वजह से आ रही है। ये देखिए हलवा हमारा तैयार हो गया और अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लौकी का हलवा गार्निशिंग के साथ रेडी है। देखिए मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट से और अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो आप भी बनाइएगा इस तरीके से और बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइए और अगर आपके कोई इसमें कॉमेंट्स हैं, आप कुछ चेंजेस इम्प्रूवमेंट बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्या चेंजेस उसमें चाहते हैं, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फूडीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।